चलिए हम गेहूं के जो है आज के भाव और समझ लेते हैं कि क्या आवक रही है आज मंसूर मंडी की। सर क्या आवक रही है, क्या भाव बिका है? आवक है 6-7 हज़ार बोरी, 7 हज़ार के सब्ती, और भाव ऊपर में 3200 है, नीचे में 2500 है। 2500 है, किस वैरायटी का आ रहा है? एवरेज और बढ़िया दोनों ही माल अच्छा आ रहा है, क्वालिटी है इस साल बढ़िया ही है। भाव जो है समर्थन मूल्य में सरकार ले उससे कुछ ज़्यादा है या कम है? समर्थन मूल्य से तो कहीं ऊपर है। अच्छा, इसलिए मंडी में ज़्यादा है। मंडी आवक पर माल ही कम है इस साल, पैदावार कम ही दिख रही है, आवक जो बननी थी वो बन नहीं पा रही है। आगे कोई जो है भाव में ज़्यादा और आवक तेजी आ सकती है, बराबर तेजी आने की संभावना। ये गेहूँ जो अभी 25-26 बिक रहा है वो 3000 तो बिकना ही है। चलिए तो कुल मिला के गेहूँ में भी जो है आगे तेजी का दौर बना रहेगा ऐसा जो व्यापारी है वो कह रहे हैं। और ये जो गेहूँ है मंसूर मंडी के अंदर आए हैं और अभी थोड़ी सी आवक कम है, चूँकि व्यापारियों का कहना भी है कि जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है इस वजह से थोड़ा सा आवक कम है, लेकिन आगे जो गेहूं में भी है वो अच्छी तेजी देखी जा सकती है, करीब 500 रुपये तक की तेजी यहाँ व्यापारी है जो बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो समर्थन मूल्य में सरकार जो ले रही है उससे अच्छे रेट जो है किसानों को यहाँ मिल रहे हैं, तो लिहाजा सीधे लोग जो समर्थन मूल्य का जो है वहाँ नहीं देने के बजाय मंडी में अपने विक्रय करने के लिए आ रहे हैं। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।